तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ ऐसे कमाल के अपडेट्स बताऊंगा टेलीकॉम से रिलेटेड जो कि आपके काफ़ी काम के होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बात करें यहाँ पे आज के सबसे पहले अपडेट की, और सबसे पहला अपडेट यहाँ पे एयरटेल की तरफ से आ रहा है और एयरटेल यहाँ पे फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोगों को बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में कुछ ऐसे यहाँ पे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश होने के कारण से वहाँ पे एकदम फ्लड सा आ गया है और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम ख़राब है, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जियो जो है उन लोगों को फ्री में इंटरनेट दे रहा था 4 दिनों के लिए, अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह यहाँ पे डेटा वगैरह दे रहा था। तो जियो ने शुरुआत करा, उसके बाद एयरटेल ने भी ऐलान कर दिया कि उन एरियाज़ में जितने भी सारे लोग रहते हैं, जिन लोग भी यहाँ पे एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, उनको यहाँ पे 5 दिन के लिए 2-2 GB करके डेटा दिया जाएगा और अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिलेगा। मतलब यहाँ पे जियो ने शुरुआत करा, उसके बाद एयरटेल ने भी कुछ यहाँ पे अपनी सुविधाएं जो भी उनसे बंद पड़ा वो लोग भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसी तरह करके यहाँ पे एयरटेल और जियो की तरफ से उन लोगों को हेल्प किया जा रहा है। तो गाइज बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, और ये जो है ये दिवाली धमाका अपडेट है। अभी आप बोलोगे दिवाली तो अभी बहुत दूर है, हाँ दिवाली भी बहुत दूर है, बट यहाँ पे अपडेट पहले ही आ चुका है कि दिवाली के टाइम में हमें जो है जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, उन लोगों का यहाँ प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अभी इसका शुरुआत किया था यहाँ पे एयरटेल ने, एयरटेल ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि उन लोग अपना प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि एयरटेल जो भी ऑपरेटर है वो काम करता है ट्राई के अंदर। अब ट्राई के अंदर एक अगर ऑपरेटर प्राइस बढ़ाता है तो उसी को देखते हुए यहाँ पे बाकी ऑपरेटर्स को भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो है वो नियम है। इसी कारण से जो है वो दिवाली तक जो है आपको जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं वहाँ पे 10 से 15% तक का आप लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। जितने भी सारे प्लान्स आप लोग अभी यूज़ करते हो उन सभी प्लान्स का जो प्राइस है वो 10 से 12% 15% तक प्राइस जो वो इंक्रीज होने वाला है। तो ये एक बुरा अपडेट है, बट आप लोग अभी क्या कर सकते हो, आप लोग ये काम कर सकते हो कि पहले से अगर आप रिचार्ज करवा के रखते हो साल भर का तो उससे आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1299 का रिचार्ज करवा के रखा है 1 साल के लिए जियो में, तो मेरा तो कम चल जाएगा। वैसे आप देखो आप लोग को अगर करवा सकते हो 1 साल का रिचार्ज तो ठीक है, वरना वेट करो। अगर कुछ आगे जाके अगर प्लान सस्ते होते तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे फिलहाल तो ये अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे दिवाली तक आपका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है। तो गाइज बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, और अगला जो अपडेट है वो ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से आ रहा है। और ये जो अपडेट है जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं लाइक जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इन सभी को फॉलो करना होगा। अभी तक तो आप लोग जो है अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप का यूज़ करते हो, ट्रू कॉलर ऐप से अगर किसी को भी आप कॉल करते हो मतलब अनजान बंदे को या फिर किसी का कॉल आता है तो वहाँ पे उसका जो नेम है वो शो करता है। आपने अगर नेम सेव नहीं भी किया है फिर भी उसका यहाँ पे नेम शो करता है, जिससे कि पता चलता है कि सामने वाला जो है वो कौन है और किसका कॉल हमें आ रहा है। बट बहुत बार क्या होता है ना कि वो सही नाम शो नहीं करता है। मतलब ट्रू कॉलर किस तरह से काम करता है मैं लोगों को बताता हूँ। अगर आपने अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, जैसे आप उसको परमिशन देते हो आपके फ़ोन में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सभी कॉन्टैक्ट्स को उठा लेता है और अपने यहाँ पर डेटाबेस में लोड कर लेता है। अभी अगर किसी का आपने नेम सब सेव करके रखा होगा पिंटू, और मैक्सिमम लोगों ने उसका नेम पिंटू ही सेव करके रखा है बट उसका रियल नेम कुछ और है, तो वो आपको उसका रियल नेम नहीं बताएगा, बस पिंटू ही बताएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है ट्रू कॉलर में। तो इसी को लेकर अभी ट्राई ने और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने ये कहा है कि अभी जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं उनको जो है फॉलो करना होगा कि अगर किसी का कॉल आता है तो आपको उनको रियल नेम शो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी तक जो भी नेम शो करता था वो ट्रू कॉलर की तरफ से करता था, बट अभी ट्रू कॉलर ऐप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप किसी भी कॉल करोगे तो उसका रियल नेम आपको वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ओरिजिनल नेम जो KYC जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में होता है आधार कार्ड में वो नेम आपका शो करेगा, जिससे कोई भी यहाँ पे फ्रॉड अगर बंदा कॉल करता है तो उससे आप लोग को ये पता चल जाएगा सामने वाला बंदा कौन है। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, वैसे आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो गाइज बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, और अगला जो अपडेट है यहाँ पे जियो की तरफ से आ रहा है। अभी जियो का कमाल का रिचार्ज प्लान है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रिचार्ज प्लान है एक्चुअली, ठीक है। इस प्लान का जो प्राइस है वो 333 रुपीज़ यानी कि 333 रुपीज़ है, और इसमें आप लोग क्या मिलता है, इसमें आपको 1.5 GB का डेटा मिलता है पूरे 28 दिन के लिए, अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिलता है, 100 SMS पर डे का मिलता है, और इसी के साथ आप लोग को 3 मंथ्स के लिए यानी कि 3 महीने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का यहाँ पे मेंबरशिप भी मिल जाता है मोबाइल वाला। तो आप लोग अगर इस प्लान से रिचार्ज करवाते हो तो आप लोग को यहाँ पे 3 मंथ के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मेंबरशिप भी मिल जाएगा और 28 दिन के लिए आपको यहाँ पर जो है डेटा और कॉलिंग भी मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आप अलग अलग यहाँ पर रिचार्ज करवाओगे और यहाँ पर मेंबरशिप लोगे तो थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, वो आप हिसाब लगा सकते हो, बट अगर यहाँ पर डायरेक्टली इस प्लान से रिचार्ज कराते हो तो आपको काफ़ी सारे पैसा यहाँ पर बच जाएंगे। तो गाइज बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, और अगला जो अपडेट है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास वी का सिम यानी कि वोडाफोन आइडिया का सिम है। तो अगर आपके पास एक वोडाफोन आइडिया का सिम है तो ये जो अपडेट है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है,
बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स हैं जिन प्लान से आप लोग को यहाँ पे रिचार्ज नहीं करवाना है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि SMS का ज़रूरत पड़ता है, मतलब अगर आप लोग UPI ऐप्स यूज़ करते हो, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, फ़ोनपे वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि कभी कभी आप लोग को जो है वो वेरीफाई करने के लिए आप लोग को SMS का जरूरत पड़ता है। या फिर अगर आपको अपने सिम को MNP करवाना है, किसी और ऑपरेटर पे जाना है बिना अपना नंबर बदले, तो आपको एक SMS सेंड करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कि 100 रुपये से ऊपर वाले प्लान्स हैं, बट उसमें आपको SMS नहीं मिलता है। कौन कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिसमें आप लोग को रिचार्ज कराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो प्लान है वो 109 रुपीज़ का प्लान है, जिसमें आप लोग को 15 डेज़ का वैलिडिटी मिलता है, 200 MB का डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है, बट यहाँ पर SMS नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्लान से आप लोग को रिचार्ज नहीं करवाना है। इसके बाद यहाँ पे 129 रुपीज़ का एक प्लान है, सब कुछ आप लोगों को सेम मिलता है यहाँ पे, जो है वो 200 MB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, बट यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो 18 दिन का मिलता है, ठीक है। इसी के साथ एक और प्लान है जो कि 149 रुपीज़ का है, और इस प्लान में आप लोग को 21 डेज़ का वैलिडिटी मिलता है, और 21 डेज़ के अंदर ही आप लोग को 1 GB का डेटा मिलता है, हर दिन नहीं मिलता है, एक ही बार में मिलेगा 1 GB का डेटा, और इसी के साथ आपको अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। बट इसमें भी आप लोग को कोई भी SMS देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आपको SMS वगैरह की ज़रूरत है तो इन प्लान से आप लोग रिचार्ज मत करवाना, वरना अगर आप करवा लोगे पता चलेगा कि यार आपको तो यहाँ पे SMS मिला ही नहीं है, तो आप बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से मैं आप लोग को पहले ही बता दिया। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो अपने एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मतलब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कमाल धमाल के टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।